नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सितंबर 2022 के बारे में, क्योंकि हर महीने की जो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स है वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। जनवरी 2022 से शुरुआत की थी और अभी हम सितंबर तक आ चुके हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो भी उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेट करते हो या फिर इसके अलावा नेशनल एग्जाम भी हो, उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए छोटी सी इस वीडियो क्लिप के अंदर सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया? इसमें योगी आदित्यनाथ भी थे और साथ में उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया गया है वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा। अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सा राज्य भारत में 8642 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण करने के मामले में भारत का पहला राज्य बन गया? और आपको याद होना चाहिए कि इस अमृत सरोवर योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से की गई और उत्तर प्रदेश के रामपुर के अंदर इस तरह से पहली झील की शुरुआत की गई और उत्तर प्रदेश इस राज्य में 8642 झीलों के साथ नंबर वन राज्य बना है। कौन सी राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान, आधार संख्या के आधार कार्ड की ही तरह यूआईडी कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने की बात की है जिसे फार्म आईडी कहा जाएगा बेसिकली? और यह काम योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही किया गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये फार्म आईडी जो है वो प्रदान कर रही है। स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी आपके साथ किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, एक प्रकार से अगर देखा जाए सारे विलेज स्मार्ट होने चाहिए और सभी डेवलप होने चाहिए। इस विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। तो याद रखेंगे स्मार्ट विलेज पंचायत लखनऊ में आयोजित की गई थी। फास्ट ट्रैक अदालतों के लंबित यानी जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं अब तक उन सभी मामलों की बात करें तो कौन सा राज्य नंबर वन यानी शीर्ष पर है फास्ट ट्रैक के लंबित मामलों में? उत्तर प्रदेश ही राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा केस अभी तक पेंडिंग पड़े, ये टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में पहले स्वास्थ्य एटीएम यानी हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है? और यह हेल्थ एटीएम यानी इस मशीन पर जाकर आप ऑटोमेटिक तरीके से पेमेंट भी करेंगे और साथ में सारी तरह के चेकअप जो है वो करा सकते हैं बहुत ही मिनिमम फी में। और यह किया गया है एटीएम जो है गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में। किस शहर में देश का दूसरा नैनो खाद उत्पाद प्लांट जो है नैनो खाद प्लांट लगाया गया? पहला गुजरात के कलोल में लगाया गया था, याद रखना, वो भी अभी की न्यूज है, बहुत पुरानी नहीं है। लेकिन उस दूसरा जो खाद प्लांट होगा वो आपके पास प्रयागराज के अंदर होगा, याद रखेंगे तो प्रयागराज में होगा। पहला जो प्लांट है वो लगाया गया है गुजरात के कलोल के अंदर, तो ये ऑब्वियस है, इसे याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसके बाद देखते हैं भाई अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर से खाड़ी देशों में यानी अरब देशों में अरेबियन कंट्रीज के अंदर बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से बासमती चावल बेचा जाएगा, भेजा जाएगा बिजनौर जिले से गल्फ कंट्रीज के अंदर, सही आंसर होगा बिजनौर जिले से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 25वीं ग्लोबॉइल समिट का आयोजन किया गया? ग्लोबॉइल मतलब ये ऑयल जो एडिबल खाने वाले तेल होते हैं यानी खाद्य तिलहन पदार्थ है जो हमारे, उसको लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 25वां सम्मेलन है, इसे आगरा में किया गया। इस बार का सम्मेलन आगरा में आयोजित किया गया है, वो याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भाई, किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल को लॉन्च किया है? मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करने वाली जो राज्य सरकार है वो कौन सी होगी? और हम जानते हैं कि बात हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की कर रहे हैं, तो सर इसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा पहला महिला महाविद्यालय
खोला जाएगा, यानी पहली वुमेन कॉलेज जो कंप्लीटली वुमेन्स होगा, पहला वुमेन कॉलेज किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ओपन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा काम करने वाला हमारे पास है लखनऊ नगर निगम, पहला महिला कॉलेज ओपन करने वाला है। किस मंडल में नंदी अभ्यारण बनाने की घोषणा की गई है, एक अभ्यारण बनाया जा रहा है, एक सेंचुरी बनाई जा रही है और इसका नाम नंदी अभ्यारण होगा, झांसी मुरादाबाद अलीगढ़ या आजमगढ़ के अंदर एक नंदी सेंचुरी बनाने का फैसला जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है, उसे एक बार आप देखेंगे जल्दी से और इसका सही जवाब याद रखेंगे, यह मुरादाबाद के अंदर होगा, तो मुरादाबाद में इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने एक जिला एक पर्यटन योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात यहां भी उत्तर प्रदेश राज्य की हो रही है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक टूरिज्म सेंटर जो कि वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए, इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दुबई की तर्ज पर परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा। एक तो परफ्यूम सिटी बनाई जाएगी कन्नौज, वो अलग है, और परफ्यूम इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा, परफ्यूम पार्क बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा लखनऊ के अंदर, याद रखेंगे। तो जो परफ्यूम पार्क बनाने का फैसला किया गया है सरकार द्वारा, वो कहां किया गया है, लखनऊ के अंदर। इसके अलावा आगे देखेंगे, अगला पॉइंट कहता है हमसे, किस जिले में कुश्मी जंगल को इको टूरिज्म बनाया जाएगा। ये कुश्मी जंगल कहां आता है और इसे बनाया जा रहा है और किसके द्वारा, यूपी की सरकार के द्वारा, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है यहां पर। तो इसका सही जवाब होगा कि सर ये जो जंगल है ये गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में एक बोर्ड लगाया जाएगा, ये किस शिक्षक से एक बोर्ड लगाएंगे, और बेसिकली हर एक स्कूल में बोर्ड होगा जिसमें उनके टीचर्स को लेकर कहा गया होगा, आर टीचर्स हमारे शिक्षक कैसे हैं, उनकी कुछ जानकारी आपके पास उस परिषदीय स्कूल में बोर्ड पर होनी चाहिए। किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च किया है। तो परिवार के कल्याण वेलफेयर के लिए यानी एक कार्ड लॉन्च किया गया, और हम यहां पर बात जिस राज्य की कर रहे हैं ऑब्वियस है, उसी राज्य के द्वारा यह फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप को बनाने का फैसला किया गया है, और यह एजुकेशन टाउनशिप जो होगी ये कौन सी राज्य सरकार, अभी जगह आइडेंटिफाई नहीं की गई है कौन सी जगह पर होगा, लेकिन ऐसा पहला एजुकेशन टाउनशिप जो होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। हाल ही में किस राज्य के विधानमंडल में एक दिन केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जहां सिर्फ महिलाएं सवाल करेंगी, क्वेश्चन करेंगी, और ये जो इनकी असेंबली होगी यहां पर, यानी ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि महिलाओं को बोलने का कंप्लीट अधिकार मिले असेंबली के अंदर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। जब 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा तो इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा, और हम जानते हैं कि बात उत्तर प्रदेश की हो तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जेल को माफ कीजिएगा किस जेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार दिए हैं, 5 स्टार दिए इसके खाने को, और यह है फतेहगढ़ के अंदर, फतेहगढ़ की जेल को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी में सोने से भगवान गणेश की कितने फीट लंबी एक प्रतिमा बनाई गई है, आपको बनाई जा रही है। तो भगवान गणेश की सोने की प्रतिमा बनाई जा रही है और यह 18 फीट लंबी है उत्तर प्रदेश के चंदौसी जिले के अंदर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, याद रखेंगे यहां पर आंकड़ों में 2021 में क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर रहा। देखो क्राइम में जो महाराष्ट्र है वो नंबर वन रहा है, और हर एक रिपोर्ट अलग अलग आती है, महिलाओं की क्राइम अलग है और सेक्सुअल वर्क रिलेटेड अलग है, बाकी क्राइम अलग है, कम्युनल वायलेंस अलग है इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल मिलाकर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट 5G इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला एयरपोर्ट, यूपी का पहला एयरपोर्ट बना और इसका नाम है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, यानी यह वाराणसी का एयरपोर्ट 5G इंटरनेट सेवा वाला। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो पहली बनाई जा रही है राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, यह कहां पर होगी, पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा वाराणसी के अंदर, वाराणसी में होगा। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आधारित
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा, यानी सीवर को जो प्लांट साफ किया जाएगा उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा, और सीवेज को लेकर मैंने बताया आगरा शहर में, और बेसिकली ये यमुना नदी के किनारे पर होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंदौर की तर्ज पर बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा, जैसे इंदौर में भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया, उसी तर्ज पर भारत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर भी एक प्लांट लगाया जाएगा। सही आंसर होगा गोरखपुर में। किस राज्य की विधायिका में केवल एक दिन महिलाओं के आरक्षित किया गया है, तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित किए गए दिन है बात वही है, और ये किस राज्य की विधायिका यानी लेजिस्लेचर की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, बट कोई बात नहीं, एक सवाल में उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर होगा, और इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मुख्य जो नोडल अधिकारी हैं वो कौन होंगे, जो भारत के पहले एक्स यानी चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, भारत की वायुसेना के चीफ रह सकते हैं, रह चुके हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आरकेएस भदौरिया, इनको उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का चीफ बनाया गया। उत्तर प्रदेश में किस जनजाति को हाल ही में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, और यह है कोंड जनजाति। तो अब यह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग में शामिल कर लिया गया। यह है 30 वो क्वेश्चन जो इस पूरे सितंबर मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी होंगे। तो चलिए इतना काफी है आपके पास, जनवरी से लेकर सितंबर तक आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इससे आगे के डेज मंथ जो होंगे उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।